हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त मिस्टिक मंदा और आपके अपने मिस्टिक मंदा चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हाउ टू अर्न ऑनलाइन सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर ये सीरीज आपने स्टार्टिंग से नहीं देखी तो स्टार्टिंग से देखो, ये 4th डे है। तो इस सीरीज में मैं आपको ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते ये पूरा सिखाऊंगा, जो मैं करता हूँ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो डे बाय डे हम लोग दोनों ग्रो हो जाएंगे। तो ये सीरीज चल रही है, पहले 4 दिन चल रहे यूट्यूब के ऊपर। तो YouTube के पहले वीडियो जो मैंने अपलोड किए वो एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि थंबनेल कैसे क्रिएट करते हैं, टाइटल कैसे बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं और उसको शेयर कैसे करते हैं। तो ये मेन चीजें, ये मेन चीजें करने के बाद आपके अकाउंट में पैसा आएगा, मतलब आपका इनकम सोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने जैसे बताया कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर तक आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ये बेसिक 4 वीडियो जो मैंने शेयर किए तो उसके बारे में ही फोकस करना है। तो हम लोग आज देखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल प्लीज 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 सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को हाइट करो। अभी मैं प्लीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों हम लोग सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे जाते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन में कनेक्ट करता हूँ, तब तक आप मेरे साथ बने रहना। अभी तक के वीडियो आपने देखे तो एक बार चेक कर लेना, नहीं देखे तो एक बार चेक कर लेना। हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे जाते हैं, मैं डायरेक्टली मोबाइल कंप्यूटर स्क्रीन पे कनेक्ट करता हूँ। तो आज ये 4 चीजें सीखेंगे हम लोग। क्या सीखेंगे? पहली चीज, टाइटल कैसे लगते हैं, थंबनेल कैसे अट्रैक्टिव बनाते हैं, तीसरी चीज डिस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं और टैग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये 4 चीज बेसिक फास्ट एंड फ्यूर्स में आपके साथ शेयर करूंगा, तो बने रहना वीडियो को अंत तक शेयर करना, राइट? चलो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे कनेक्ट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सीधा देखते हैं कि कैसे अपलोड किया जाता है वीडियो और कैसे पैसे कमाते हैं, राइट? पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा कि एडिट कैसे करते हैं, उसमें एनिमेशन कैसे डालते हैं, बेसिक चीज़ें। आप पहले वीडियो स्टार्ट कर देना, एडवांस चीज़ें मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन ये वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर ये चैनल आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल ध्यान में रखना, मिस्टिक मंदार। यहाँ पे टैगलाइन में सीधा रख रहा हूँ, लर्न अप्लाई एंड अर्न। आप जब तक सीखते नहीं हो अप्लाई करो और उसके साथ पैसा कमाओ। तो ये सब्सक्राइब करो, वापस एक बार बोल रहा हूँ। अभी हम लोग को वीडियो अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है मैं बताता हूँ। उसके लिए पहले आपको एक बेसिक चीज़ करनी है अपलोड करने से पहले, ताकि आपके नॉलेज में और आपके इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा बढ़त हो जाए। आपके क्रोम जो बार है मोबाइल का या लैपटॉप का, तो उसमें ट्यूबबडी एक्सटेंशन डाउनलोड करो। ये देखो ट्यूबबडी लिखा है यहाँ पे, वो ट्यूबबडी एक्सटेंशन डाउनलोड करो। ये ऐसे दिखता है। ये डाउनलोड करने के बाद आपको सेम ईमेल आईडी से, जिस ईमेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल है उस ईमेल आईडी से आपको डाउनलोड करके रखना। अभी इसके बेसिक फीचर्स मैं आपको पहले बताता हूँ, एडवांस फीचर्स के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये एक्सटेंशन जब भी डाउनलोड होता है तो आपको उस वीडियो के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिलती है, मतलब दूसरे का अगर सेम वीडियो है तो उसका टैग क्या है, उसने कौन से डिस्क्रिप्शन मेंशन की, ये सब चीज़ें यहाँ पे शो होती है एक्सटेंशन पे। ये देखो, ये फ्री ऐप है और पेड ऐप भी है, प्राइसिंग भी आप फ्री ऐप इस्तेमाल कर देना तो बेसिक फीचर्स भी आपको स्टार्टिंग में इस्तेमाल हो सकते हैं। मेरा तो पेड है, मेरा पेड है एक्सटेंशन, आप फ्री इस्तेमाल कर सकते हो। अभी उसके लिए क्या करना है आपको, बेसिकली आप कौन से जगह से पहले डाउनलोड कर अपलोड कर सकते हो मैं बताता हूँ। आपके मोबाइल पे ये वाला सिंबल रहेगा, क्रिएट वीडियो और पोस्ट, तो वहाँ से जो आप लोग ने वीडियो बनाई है मोबाइल पे तो उसको यहाँ से अपलोड करो सिंपली। मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ, लेकिन वो मैं सैंपल चलो दे दिखाता हूँ आपको सैंपल। ये वीडियो मैं अपलोड नहीं करना चाहता फिलहाल तो, लेकिन आपको करके बताता हूँ। हाँ, ये वाली वीडियो मैंने अपलोड करनी है, तो ये अपलोड प्रोसेस में जा रही है। देखो सिलेक्ट फाइल होगी, ओवरनाइट मिलेडियन माइंड है कि ऑटोमेटिकली नाम कैच हो गया, क्योंकि ये वीडियो का टाइटल ही वही था रिकॉर्ड सेव करते समय रखा था।
एक तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो, दूसरा मोबाइल से कर सकते हो, ये दो चीज़ें हैं। अपलोड करने के बाद बेसिक चीज़ें, अभी ये पीसी पे, अभी ये क्या कि आपको नहीं पता है शायद से, ये जब भी आप यूट्यूब चैनल ओपन करते हो ना, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे योर यूट्यूब स्टूडियो करके ऑप्शन आता है, यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के लिए कहीं से भी कर सकते हो, यहाँ से अपलोड करने के बाद डायरेक्टली स्टूडियो पे ज्वाइन होते हैं। बेसिकली स्टूडियो क्या है, स्टूडियो एनालिटिक्स ऐप है, उसमें आपके वीडियो के सभी एनालिटिक्स और डिस्क्रिप्शन सभी डिटेल्स आपको पता चलते हैं ऐसे वाले। तो अभी फ़िलहाल तो मैं अपलोड कैसे करना है बताता हूँ। यहाँ पे आपको थंबनेल डालना है, राइट। अभी थंबनेल कैसे अट्रैक्टिव बनाते हैं, कौन सा थंबनेल डालना है, क्या करना है, ये कैसे बनाते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। उसके लिए पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब सर्च करना है नॉर्मली, और आपका जो सब्जेक्ट है, जिस वीडियो का सब्जेक्ट है वो ध्यान से सुनना मेरी बात, जिस वीडियो का सब्जेक्ट है उसका नाम यहाँ पे सर्च करना है, मतलब सिमिलर पहले वर्ड इस्तेमाल करना है। ब्यूटी टिप्स मैं डालता हूँ, हेयर स्टाइल डालता हूँ, चलो ब्यूटी टिप्स ये मैंने सर्च किया। अभी आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन सा टॉपिक है ये पहले सर्च कर लेना। देखो 41 हैक्स है, ये ब्यूटी टिप्स और ब्रेस्ट है, तो आपका जो सब्जेक्ट है आप किस बारे में बात कर रहे हो, तो वह पहले चेक करने का, मेकअप ब्यूटी टिप्स किसके लिए, ब्यूटी हैक्स है 7 डेज, तो फॉर एग्जाम्पल आप पिंपल्स के लिए ब्यूटी टिप्स डाल रहे हो, तो यहाँ पे मैं ब्लैक हेड्स डालता हूँ, हेड्स रिमूवल टिप्स एट होम, राइट। चलो ये आपने सर्च किया। अभी यहाँ पे देखो 2-3 वीडियोज है, तो उसमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंकिंग का कौन सा है वो पहले चेक करो। ये विस्टेन का है, 500K इसके व्यूज है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली ऐसे 2-3 टैब्स ओपन करके रखने, चेक करना है। अभी यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फोटोज है ब्लैक हेड्स के, तो आपको ऐसे ब्लैक हेड्स के फोटो चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे कैनवा पे जाके आपको क्या करना है, जैसे मैंने डिटेल में बताया, आप मोबाइल के इसमें देख लेना, एक और एक वीडियो डालता हूँ मैं कैनवा के बारे में डिटेल ट्यूटोरियल। मैं यहाँ पे मुझे क्या करना है, यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट करना है, मैं यहाँ से यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट करता हूँ। मैं अभी आपको पूरा एडिट करके नहीं बताऊँगा, लेकिन बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फोटो पे जाके आपको क्या करना है, ब्लैक हेड सर्च करना, अगर है अवेलेबल तो आपको यहाँ से ही मिल जाएगी। स्पेलिंग गलत हो गई, BLACK ब्लैक हेड, हाँ ये देखो ये आ गई। तो इसमें से तो कुछ नहीं चाहिए, राइट। तो आपको क्या करना है, जस्ट और एक दो वेबसाइट्स है पिक्सल करके और पिक्साबे करके, इसमें ब्लैक हेड्स के फ्री फोटोज है क्या पहले देखते, नहीं है तो आपको इंटरनेट से सर्च करना पड़ेगा। पिक्सल ब्लैक हेड्स ना, ये मैंने ब्लैक हेड सर्च किया, ये देखो ब्लैक हेड्स के फ्री यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपली जो फोटो यहाँ स्टॉक का भी है, ये पेड है, आपको पेड चाहिए तो आप पेड ले सकते हो, हार्डली $30 मतलब $1-$2 में आपको मिल जाएंगे, 70-80 रुपये में मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ प्राइस कैसे आई स्टॉक की, ये इसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं रहती है, ये आप परचेस कर सकते हो। देखो 345 में सिंगल इमेज है, अगर आप बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो आप ले सकते हो। यहाँ पे 170 में अगर परचेस करते हो तो 170 में 10 इमेज आपको मिलती है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली ये ब्लैक हेड्स वाला इन्होंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधा वो पोस्टर डालना है, सिमिलर टॉपिक पे ये कौन से कैसे लिखा है, तो आपको वैसे ही यहाँ पे एडिट करना है।
टेक्स्ट डालना है, टेक्स्ट डालने के बाद ये डाउनलोड करना है। तो ये हो गया आपका चैनल आर्ट का। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। चलो यहाँ पे मुझे थंबनेल डालना है, तो मैं पहले स्क्रीन से भी थंबनेल कैच कर सकता हूँ, या जो मैंने अपलोड किया है मतलब डाउनलोड किया है तो मुझे वहाँ पे वो वाला चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल के लिए कोई भी लेता हूँ, ऐसे ज़रूरी नहीं, हाँ ये बेसिकली का लेता हूँ, ये मैंने अपलोड किया। इसके बाद में प्लेलिस्ट सिलेक्ट करना है आपको, कौन से प्लेलिस्ट में डालना है। देखो स्टार्टिंग में आप प्लेलिस्ट के बारे में ज़्यादा फोकस मत करो, पहले वीडियो डालो। प्लेलिस्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब कौन से सेगमेंट में आप ब्यूटी टीम्स मतलब आप स्किन में बात कर रहे हो, या हाथ के बारे में बात कर रहे हो, या नेल के बारे में बात कर रहे हो, या फीट के बारे में बात कर रहे हो। आप अगर कोई भी सेगमेंट मतलब दूसरे कौन से भी ज्वेलरी में बात कर रहे हो या कपड़ों में बात कर रहे हो, तो उसका सेगमेंट कौन सा है, तो उस हिसाब से आपको प्लेलिस्ट बनानी है। अभी मेरी देखो लर्निंग फॉर बिजनेस है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन है, तो ये वीडियो हाउ टू मनी ऑनलाइन में जाएगा जो मैं लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टूल्स फॉर बिजनेस ग्रोथ है, हैबिट फॉर ग्रोथ है, ये मेरी प्लेलिस्ट है, आप यहाँ से प्लेलिस्ट बना सकते हो। तो मुझे ये फिलहाल तो लर्निंग फॉर बिजनेस में डालनी है, मैंने ऐड किया। इसके बाद यहाँ पे बच्चों के लिए है या नहीं है वो सिलेक्ट करना है। मेरा रिकमेंडेशन है ब्लैंक रखो। अगर बच्चों के लिए है मतलब आप स्पेशली बच्चों के लिए बना रहे हो, तो वो बच्चों के लिए येस ऑन करके रखो। यहाँ से मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, ऐड स्क्रीन, और जो है ना वो मैं बाद में ऐड करने के लिए रिकमेंड करता हूँ। चलो मैं पहले बेसिक चीज़ें बताता हूँ, ये ऐड स्क्रीन और ये अभी फिलहाल। तो यहाँ पे देखो तीन ऑप्शन है, पब्लिक है, अनलिस्टेड है, पब्लिक वापस से प्राइवेट है, अनलिस्टेड और पब्लिक है। पब्लिक को आपको पब्लिक पे रखना है, पब्लिक पे रखने के बाद ये डायरेक्टली ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आप नए हो तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप पहले अनलिस्टेड रखो या प्राइवेट रखो। प्राइवेट रखने के बाद आप यहाँ से शेड्यूल भी कर सकते हो, मतलब हफ्ते भर की वीडियो एक साथ रिकॉर्ड करके आप डायरेक्टली प्रमोट भी कर सकते हो, राइट। तो शेड्यूल का है तो आपको अच्छा है, आप तीन दिन वीडियो रिकॉर्ड करने के बजाय एक दिन में तीन वीडियो रिकॉर्ड करोगे सैटरडे संडे में, और हफ्ते भर की वीडियो यहाँ पे अपलोड करोगे। शेड्यूल आपको वहाँ से ही मिल जाएगा, कौन से डेट पे कौन से टाइम पे करना है ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से मैंने शेड्यूल पे नहीं करना है, मुझे क्या करना है, पब्लिक करना है। तो मैं सेव टू पब्लिक पे यहाँ पे प्राइवेट पे करता हूँ अभी फिलहाल, तो क्योंकि मुझे ये अपलोड करनी ही नहीं है, मैं डेमो के लिए कर रहा हूँ। ये करने के बाद यहाँ पे वो अपलोड हो जाएगी, ऑलरेडी मेरे पास है इसलिए इमीडिएट अपलोड, ये डुप्लीकेट है, ये देखो अपलोडेड है ऑलरेडी, तो ये यहाँ पे अपलोड हो रही है। आपका अगर अपलोडेड नया वीडियो है तो थोड़ा टाइम लेता है आपके स्पीड के हिसाब से, अगर स्पीड कम भी है तो भी 10-15 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे में अपलोड हो जाती है। अभी ये मेन चीज़ यहाँ से चालू होती है, यहाँ पे टाइटल लिखना है और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो ये बेसिक चीज़ें है ना, आप कॉपी करके ही रखो गूगल कीप में। अगर गूगल कीप का वीडियो आपने नहीं देखा इस्तेमाल का तो एक बार वो चेक कर लेना। तो गूगल कीप का इस्तेमाल यहाँ आप अपलोड कर सकते हो। अभी मेन आता है कि यहाँ पे टाइटल कैसे करते हैं और यहाँ पे टैग्स कैसे लिखते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट टैग है और बस, और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं। वापस से वो वीडियो पे चले जाते हैं, ये वीडियो पे हम लोग ने देख रहे हैं। बेसिक कौन सा वीडियो आपको अच्छा लगा वो पहले एक बार चेक कर लेना, आपके सिमिलर टॉपिक से रिलेटेड कौन सा वीडियो है वो एक बार चेक कर लेना। मुझे लगता है कि आपके लिए फॉर एग्जांपल अगर मेन के लिए कर रहे हो तो ये वीडियो 8 मिलियन वाला आपके लिए बहुत अच्छा है, 3 स्टेप्स में रिमूव कैसे करना है। तो आपको बेसिक क्या करना है, इसका जो टैग है वो आपको कॉपी करना है, राइट। अब ये सुपर वाव स्टाइल है तो ये सुपर वाव स्टाइल इसका टैग लेनी है चैनल का, तो आपको ये कॉपी नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च कर रहे, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जो ऑलरेडी है उसको फॉलो करो, क्योंकि बेसिक चीज़ों में आप अगर ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने ऑलरेडी किया उनको फॉलो करो ना, मैं हमेशा एक बोलता हूँ, जिन्होंने ऑलरेडी, हम लोग क्या करते हैं मालूम है, जिनको कुछ पता नहीं है उसके उनको पूछते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अपलोड किए उनके व्यू हो रहे तो उनको फॉलो करो, और इसमें गलत कुछ नहीं है।
और प्रॉब्लमेटिक भी कुछ नहीं। तो आपको ये सुपर स्टाइल जो उनका टैगलाइन है चैनल का, ये आपको निकालना है, इसके बदले आपको खुद का डालना है। तो ये हो गया टैग कॉपी का। दूसरी चीज़ है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उन्होंने क्या लिखा है, तो वो अगर आपको चाहिए तो आप ये इधर से लिख सकते हो। आप हिंदी में लिखना चाहते हो, मराठी में लिखना चाहते हो, गुजराती में लिखना चाहते हो, लिख सकते हो। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, ये आप कॉपी करो और यहाँ पे सिर्फ पेस्ट करो। इसके अलावा ये जो टैगलाइन है वो एक बार वापस से पेस्ट कर देना। मतलब आपकी आपका जो टाइटल है, तो यहाँ पे हो गया टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में, ऐसे दो बार होना चाहिए, ये ध्यान में रखना, दो बार होना चाहिए। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन हो गया, आपका मेन जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली हो गया यहाँ पे, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें आपके पास हो गई। अब ये टैग वाला आइटम है ना, जो मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था कि आप एक बार डाल के रख देना, तो आपको क्या करना है, अगर इसमें से कोई आपका टैग है तो ये वाला टैग वैसे के वैसे रहने दो। आप अगर फेसबुक बड़ी एक्सटेंशन आप अपलोड करते हो ना, तो आपको ऑटोमेटिकली वीडियो सर्च करने के बाद, मैं आपको दिखा दूँ, चलो वापस से एक बार, कौन सा भी वीडियो सर्च करते हो ना, ये वाला नेक्स्ट वाला देखते हैं चलो। तो वीडियो ओपन होने के बाद आपको साइड में कुछ उसके बारे में पता चलता है। तो ये सर्च हो रहा है, ये देखो ये ओपन भी हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ टैग्स पता चलते हैं, ये अलग से टैग्स है, ये वाले टैग्स नहीं है, हाँ ये वाले टैग्स है। ये देखो ये YouTube, ये वीडियो के बारे में क्या रिकमेंडेशन है, 20 लोगों में से 3 लोग सजेस्ट कर रहे हैं, SEO में 100% है, तो इसका SEO भी अच्छा है। तो ये टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन आप बिंदास से कॉपी कर सकते हो। सिर्फ ध्यान में रखना इसका नाम, ये देखो फॉक्सी मेकअप ट्यूटोरियल है, तो ये नाम आपके प्रोफाइल पे नहीं आना चाहिए, तो ये चीज़ों का ख्याल रखना। तो इसका 100% SEO है, मतलब इसका वीडियो अच्छा है। तो आपको क्या करना है, यही कॉपी करना है यहाँ से, ये देखो यहाँ से मैंने कॉपी किया। तो ये सिर्फ FB बड़ी, फेसबुक बड़ी आप एक्सटेंशन डाउनलोड करते हो तो ही आपके पास आएगा, वरना नहीं आएगा। आपको ये पहले वाला डिलीट करना अगर नहीं है तो, और यहाँ पर सिंपली पेस्ट करना है और देखना है कि उसमें पहले वाले चैनल का क्या नाम आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे नाम आ रहा है, नहीं आ रहा, चलो नहीं आ रहा, ये चीज़ें हो गई, राइट। अभी यहाँ पे रिकमेंडेशन भी आ रहा है, ब्लैक हेड्स, हाउ टू रिमूव ब्लैक हेड्स, उसको ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे सिर्फ 500 टैग अलाउड है, तो मैं 500 वर्ड के टैग अलाउड है तो मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। 495, हाँ सेव हो गया। तो यहाँ से मैंने क्या किया, वापस से एक बार बताता हूँ, वीडियो अपलोड की, टाइटल रखा, डिस्क्रिप्शन कॉपी किया, डिस्क्रिप्शन में चेक किया कि पहले जिसका कॉपी कर रहे हैं उसका नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है तो रिमूव कर देना। तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें आपका हो गया कि आपने कैनवा से मस्त पे की एक ये बनाया, थंबनेल बनाया कैनवा का जो थंबनेल क्रिएटर्स है उससे। उसके बाद मैं टाइटल कॉपी किया, उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन कॉपी किया और वो पेस्ट कर दिया। ये टैग, ये तीन चीज़ें आपको करनी ही करनी है। ये तीन चीज़ें आप करोगे तो आपके चैनल ग्रो हो जाएगा, डेफिनेटली। मेरा भी इसकी वजह से ही ग्रो हो रहा है, जो पिछले साल भर में 10-20 वीडियो के व्यूज़ आते थे, अभी वो 50-100 इस बार जा रहे हैं। मेरा एक तो वीडियो अभी ऑटोमेटिकली ग्रो हो रहा है, 100-200 के ऊपर जा रहा है, एक वीडियो 2-3 मतलब 4-10 वीडियो ऐसे है वो 10,000 के ऊपर गए। तो ये ग्रो दिखाई दे रही है। तो आपको ये तीन चीज़ें करनी है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, ये अट्रैक्टिव बनाना है। टैग आपको कॉपी करना है, टैग में प्रिकॉशंस लेने कि पहले वाले चैनल का जिसका कॉपी कर रहे हो उसका एग्जैक्टली कॉपी कर रहे हो या नहीं, मतलब उसका नाम नहीं आना चाहिए। तो प्लेलिस्ट का मैंने बताया, एंड स्क्रीन का मैं बताता हूँ। जैसे जैसे आपके वीडियो बढ़ेंगे तो लास्ट में, ये देखो ये लास्ट में एक ऐसा ऑप्शन आता है कि आपको जैसे वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में अगर रिकमेंडेशन देना है तो आप नेक्स्ट वीडियो के बारे में रिकमेंडेशन दे सकते हो। तो आपको यहाँ पे देखो एक है रिकमेंडेशन बाय डिफॉल्ट बेस्ट फॉर व्यूअर और दूसरा प्लेलिस्ट है। तो मैं हमेशा प्लेलिस्ट पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं डायरेक्टली उनको प्लेलिस्ट पे लेके जाता हूँ। ये देखो मैंने प्लेलिस्ट का हाउ टू अर्न का सिलेक्ट किया
तो मुझे नेक्स्ट वीडियो में अगर रुचि रखते है कोई भी मेरा, तो नेक्स्ट वीडियो में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये यहाँ से सेव किया, तो ये हो गया तरीका आपका ट्रैफिक डाइवर्जन का। दूसरा है कार्ड का। अभी कार्ड का क्या है, मैं हमेशा देखो बात करता हूँ, मैं थंबनेल में दे दूंगा, कार्ड में दे दूंगा। तो ये चीज़ें हैं, अगर मान लो आपको 4 मिनट के बाद जब आप पॉइंट करोगे कि मैं कार्ड में पिछले वाला वीडियो देख लो, अभी मैंने क्या किया कीप का वीडियो देख लो, मैं कार्ड में दे दूंगा, तो आप जब भी बात करोगे तो उस पर ये पॉइंट शिफ्ट करना है और यहाँ पे आपको वीडियो का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। वीडियो का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको कौन सी वीडियो चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लो। मैं एग्जांपल के लिए कोई भी वीडियो सर्च कर सिलेक्ट करता हूँ, ये टैग सिलेक्ट हो गया, राइट। ये देखो ये टैग सिलेक्ट हो गया। ऐसे 4 आप टैग्स डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते, ये आपके ऊपर है। अगर आपको कुछ बाउंस हो रहा है तो आप इसके ऊपर फोकस मत करो, पहले वीडियो डालना वापस से एक बार चालू कर दो। तो यहाँ से सेव हो गया, मैंने सेव किया, अभी आपका वीडियो प्रमोशन के लिए रेडी हो गया, राइट। अभी ये प्राइवेट वीडियो है, ये किसी को शो नहीं होगा। मैं एग्जांपल के लिए आपको पिछले वाला, ये देखो प्राइवेट वीडियो है, आप यहाँ से एनालिटिक्स चेक कर सकते हो, यहाँ से यूट्यूब के वीडियो के बारे में सर्च कर सकते हो। अभी मैं क्या करता हूँ, पहले अपलोड करने के बाद, मतलब पहले चेक करने के बाद वापस एक बार मैं देखता हूँ। बार बार आपको वीडियो नहीं देखनी है, सिर्फ एक बार देखनी है। ये वीडियो मेरी है, ये वीडियो मेरी है, तो मुझे एक वीडियो शेयर भी करनी है। तो स्टार्टिंग में आप क्या करो मालूम है, यहाँ पे शेयर के बटन पे क्लिक करो। तो एक तो कॉपी आप कर सकते हो और व्हाट्सएप पे जाके शेयर कर सकते हो, दूसरा यहाँ से लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, ब्लॉगर पे, रेडिट पे, थम्बलर पे, पिंट्रेस्ट पे, मैं इस तक सभी पे शेयर करता हूँ। ये बाकी के तो मैंने इस्तेमाल नहीं किए, ये सब चाइनीज ऐप तो मैं इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन पिंट्रेस्ट तक मैं सभी चैनल पर शेयर करता हूँ। तो आप यहाँ से शेयर कर देना, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। अभी मैं वापस रिकमेंडेड नहीं है तो अभी क्यों बता रहा हूँ, देखो यूट्यूब का चैनल अलग है, फेसबुक का चैनल अलग है, पिंट्रेस्ट का चैनल अलग है, तो कोई भी कंपटीशन नहीं बढ़ाना चाहता, राइट। लेकिन 1% लोगों को आपकी वीडियो दिखती है, आपका जो एड प्रमोशंस करते हो दिखता है, बाकी के लोगों को नहीं दिखता। रिकमेंडेशन ये है कि आप जो वीडियो बनाते हो तो वो मोबाइल पे पहले डाउनलोड करो और उसके बाद में सभी प्लेटफॉर्म पे शेयर करो और उसके बाद वहाँ पे लिंक देके ट्रैफिक डाइवर्ट करो। तो यहाँ से अगर लिंक डायरेक्टली आप शेयर करते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, चलो ये मैंने फेसबुक पे की, फेसबुक पे कॉपी करने के बाद ये मेरा फेसबुक का जो पेज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट ओपन हो गया। ये देखो मंदार सुरेश जो मेरा पर्सनल नाम का प्रोफाइल है, तो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। मुझे फेसबुक से पेज पे डालना है तो यहाँ से मैं पेज पे भी डाल सकता हूँ, राइट, शेयर ऑन पेज मैनेज बाय मी। तो अभी मैं पेज पे डाल रहा हूँ, ग्रुप पे डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे स्टोरी पे मैंने डाल दिया। ये वीडियो पे क्लिक करेगा ना तो यूट्यूब पे चला जाएगा, लेकिन फेसबुक भी होशियार है, शाना है बहुत, वो यूट्यूब का प्रमोशन क्यों करे, क्योंकि उनका भी सेम प्रोडक्ट है मोनेटाइजेशन का। तो ये कैसे मोनेटाइजेशन उसका भी होता है मैं नेक्स्ट सीरीज में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान में रखना, स्टार्टिंग में पहले 50 वीडियो 100 वीडियो आप फेसबुक पे आराम से शेयर कर लेना, व्हाट्सएप पे शेयर कर लेना, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आपको ये शेयर करने के बाद ये देखो एनालिटिक्स में बताता हूँ, अभी ये फिलहाल करंट एनालिटिक्स है, तो जो कुछ है आपको सामने सामने बताता हूँ। 98 डेज में मेरा 98 आवर्स वॉच टाइम हो गया, राइट। अभी मेरा लाइफ टाइम का वॉच टाइम दिखाता हूँ, मेरा लाइफ टाइम का वॉच टाइम 30,000 के ऊपर हो गया, जो मैंने आप देख सकते हो यहाँ पे। देखो मेरा चैनल स्टार्ट हो गया 19 में, राइट, उसके बाद में मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे एक बार काम किया उसके बाद में कुछ भी नहीं किया, राइट, यहाँ पे वापस एक बार काम किया उसके बाद में स्लो एंड स्टडी ग्रोथ हो रही है, देखो ये आप देख सकते हो। तो ये ग्रोथ आपको कंसिस्टेंटली ही मिलेगी, आप जितना ज़्यादा वीडियो डालोगे, जितना ज़्यादा प्रमोशन करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तो आपको यहाँ से डेफिनेटली पैसा मिलेगा। अभी मेरे सब्सक्रिप्शन में आपको दिखा दो, मेरे सब्सक्रिप्शन है टोटल 250+ है, मतलब 250+ नहीं, ये देखो यहाँ पे 431 है, राइट। तो ये डे बाय डे बढ़ रहे, दिन के मेरे 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 ऐसे बढ़ रहे। लास्ट 7 दिन में कितने बढ़े मैं दिखाता हूँ, लास्ट 28 डेज में कितने बढ़े मैं दिखाता हूँ। देखो 7 दिन में बढ़े हैं 11 सब्सक्राइबर और
28 डेज में मेरे 100 सब्सक्राइबर बढ़े, ये देखो 116। तो ये ग्रोथ है, ये ग्रोथ कंसिस्टेंस होने के बाद ही होती है, आप जितना कंसिस्टेंट हो उतना आपके लिए अच्छा है, राइट। तो ये हो गया यहाँ से, यहाँ पे कमेंट कौन सी है वो सेटिंग पे आपको क्या करना है। पहले देखो हेल्प टू रिव्यू है, मैं सामने ही आपको देता हूँ, मंदाल सर हाउ टू मेक वीडियो यूट्यूब विथ फेस प्रेजेंटेशन, यहाँ पर एक वीडियो बनवा मिस्टिक मंदार थैंक्स। ये देखो ये इन्होंने देखा है, राइट। तो ये अभी इन्होंने कमेंट किया है, क्योंकि मैंने इनका जो वीडियो देने के बाद ही, मतलब कमेंट आने के बाद इसके ऊपर रिप्लाई दिया, मैं रिप्लाई देता हूँ। ये पब्लिश हो गई, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हेल टू रिव्यू रखना है पहले। कहाँ पे गया उनका कमेंट, चलो मैं बाद में बताता हूँ। सबटाइटल आपको कुछ रखनी है, सबटाइटल एक अलग चीज़ है, आपको बेसिक चीज़ है, पहले स्टार्ट करो। सबटाइटल के बारे में मैं बाद में कभी बताऊंगा, क्योंकि मैं वीडियो में खुद सबटाइटल नहीं डालता। अगर मेरी इंग्लिश में वीडियो है या आप नॉर्मली हिंदी में वीडियो बना रहे हो और इंग्लिश में सबटाइटल करना चाहते हो, तो सबटाइटल फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। सबटाइटल फाइल बहुत आसान है, लेकिन मेरा फोकस ये है कि पहले मुझे 200 वीडियो 250 वीडियो अपलोड करने, 250 वीडियो तो मैं ज़्यादा फोकस करूँगा ही नहीं बाकी के सब चीज़ों में, राइट। यहाँ पे देख सकते हो मोनिटाइज होने के लिए कितना बचा है, ये देखो 431 मेरे सब्सक्राइबर है ऑलरेडी, और 318 पब्लिक वॉचर्स कंप्लीट किए। अभी मुझे कितना करना है, 4000 वॉचर कंप्लीट करना है। अब ये कल तक देखोगे, कल तक देखा रहेगा ना, तो ये था 300 के आसपास, मतलब आज के एक दिन में 18 घंटा बढ़ गया। तो मुझे गारंटेड है ये 2 महीने में ये मेरा 4000 पब्लिक वॉचर कंप्लीट हो जाएगा। और आपकी कृपा है, आप देख लो, आप शेयर करो, आपका भाई कुछ तो कर रहा है, राइट, और आपको सिखा रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कर देना दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना आपका वीडियो बना के, और आपने जो वीडियो बनवाया है तो एक बार मुझसे वो शेयर कर देना, ताकि मैं मेरे प्लेटफॉर्म पे वो बता सकूँ, आपका चैनल ग्रो करने के लिए मैं भी अपील कर सकूँ। तो मैं डेफिनेटली ये 4 चीज़ें ध्यान में रखना, पहले क्या क्या बताया मैंने आपको, पहले अपलोड कैसे करना है, उसके बाद में टाइटल कैसे रखना है, टाइटल सिंपली कॉपी करना है, डिस्क्रिप्शन भी कॉपी करना है, और इसमें ध्यान एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जिसका कॉपी करे उसका नाम यहाँ पे नहीं आना चाहिए, सिर्फ टाइटल कॉपी करना है आपको। और यहाँ पे थंबनेल पे आपको कैनवा से, मैंने बताया कि कैनवा से थंबनेल को बना के आपको अपलोड करना है। इसके बाद में ट्यूब बड़ी एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, उससे वो चैनल के जितने भी टैग्स है वो आपको कॉपी करने हैं, ट्यूब बड़ी ध्यान में रखना, और वो आपको यहाँ पे कॉपी करने हैं। और उसके बाद में ये बेसिक चीज़ें आपको प्राइवेट नहीं रखना है, पब्लिक रखना है। अनलिस्टेड मतलब अनलिस्टेड आप सिर्फ लिंक से शेयर कर सकते हो, ये ट्रेनिंग कोर्स के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप वेबसाइट के लिए इस्तेमाल होता है, जो ये लिंक पे क्लिक करेगा वो डायरेक्टली वीडियो पे ट्रैफिक पे चला जाएगा। तो इसमें एक और एक वीडियो बनेगा कि कौन से व्यूज़ काउंट होते हैं, कौन से व्यूज़ काउंट नहीं होते, तो मैं ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पर प्लेलिस्ट पे आपको प्लेलिस्ट बना के रखनी है और सिलेक्ट करनी है, जैसे आपका प्रोडक्ट है तो उस हिसाब से आपको प्लेलिस्ट बनानी है। एंड स्क्रीन डालना है, कार्ड डालना, दैट्स इट, आपको और कुछ नहीं डालना है। यहाँ पे एनालिसिस चेक कर सकते हो, यहाँ पे एडिटर का ऑप्शन है, मैं यहाँ से एडिट करना रिकमेंडेड नहीं बताता हूँ, अगर करना है तो कर सकते हो, आपको यहाँ से डायरेक्टली आप ऑडियो डाल सकते हो, जो यूट्यूब के पास ऑडियो है नॉन कॉपीराइट वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक। ये देखो ये नॉन कॉपीराइट है, इंस्पिरेशन एड टू वीडियो, आप ये यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। तो ये चीज़ मैं रिकमेंडेड नहीं बताता, क्योंकि आपको पहले वीडियो बना के ही आपको अपलोड करनी है, यहाँ से आपको कुछ एडिट नहीं करना है, क्योंकि यूट्यूब अभी एडवांस होने वाला है, ये सब चीज़ें एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह ये आपको यहाँ पे ही दे देगा। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखी, एडिट करना है, यहाँ पे वापस एंड स्क्रीन है, और वीडियो के बारे में एडिट करने का ऑप्शन अभी इन्होंने ओपन नहीं रखा है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको,
एड ब्लर बिल, ये सब बेसिक चीज़ें, इन चीज़ों पे ध्यान रखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ट्रिम का ऑप्शन है, आपको ट्रिम करना है तो कर सकते हो, लेकिन मत करो। ये किनके लिए पता है? आप अगर यूट्यूब के ऐड चला रहे हो तो इनके लिए, शॉर्ट वीडियो के लिए। यहाँ से सेव करना है, सेव करना ना भूलिए और शेयर करिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ। अगला वीडियो मिलने तक मैं मिस्टिक मंदार, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।